अस्सलामुअलैकुम, आज 12 बजे में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। बुलेटिन का आगाज अहम खबर से। आपको अपडेट करें कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर कोर कमांडर क्वेटा तैनात हो गए। लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर आईजी कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जीएचक्यू फराइज अंजाम दे रहे हैं। उन्हें नवंबर 2020 में 3-स्टार ओहदे पर तरक्की मिली। डीजी आईएसपीआर तैनात हुए। इस हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे नवीद अकबर से। जी नवीद अकबर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल इमरान सुल्तान, आपने दुरुस्त फरमाया। आईएसपीआर के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर को कमांडर 12 कोर क्वेटा तैनात कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर को लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली हिलाल इम्तियाज मिलिट्री तमगा बसालत एंड बार शहीद की जगह मुकर्रर किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली 1 अगस्त को जाम शहादत नोश कर गए थे। तर्जमान पाक फौज के मुताबिक शहीद कोर कमांडर लखबेला में शराब से मुतलक इमदादी कार्रवाइयों का जायजा ले रहे थे। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद का हेलीकॉप्टर खराब मौसम के बाइस हादसे का शिकार हुआ था। जनरल आसिफ गफूर जो है वो डीजी आईएसपीआर के एमपी ओहदे पर भी फायद रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर के साथ आईजी कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जीएचक्यू रावलपिंडी फ्रायसर इंजाम दे रहे थे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर ने नवंबर 2020 में 3-स्टार यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की पाई। लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर ने बतौर डीजी आईएसपीआर 20 दिसंबर 2016 को तैनाती संभाली थी और वो 3.5 साल तक इस अहम तरीन ओहदे पर फायद रहे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर जनवरी 2020 में जीओसी कुपवाड़ा यानी कि जनरल ऑफिसर कमांडिंग कुपवाड़ा तैनात हुए थे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर के बारे में बताते चले कि वो कमांड एंड स्टाफ का क्वेटा और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के तहसील है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर सितंबर 1988 में पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी से पास आउट हुए थे और बतौर मेजर उन्होंने कारगिल की जंग में हिस्सा लिया था। बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर ने कबाली इलाकों और स्वात ऑपरेशन में हिस्सा लिया और बड़ी कामयाबी से हिस्सा लिया। बतौर ब्रिगेडियर उन्होंने डायरेक्टर मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टोरेट ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन में डायरेक्टर के तौर पर खिदमत सर अंजाम दी। बतौर मेजर जनरल स्वात में दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में डिवीजन की कमांड की और डीजीआईएसपीआर का अहदा संभाला और जैसे डीजीआईएसपीआर से उनको दोबारा जीओसी पड़ा मुकर्र किया गया तो उन्होंने जीओसी के तौर पर अपनी बकिया मुद्दत जो है वो मुकम्मल की और उनको उसके बाद जो है जब उनको लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई तो उनको इंस्पेक्टर जनरल कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जीएचक्यू लगा दिया गया था। अब उनको आज जो है तैनात कर दिया गया है कोर कमांडर क्वेटा की अहम तरीन पोस्ट पर और वो कोर कमांडर है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर का कैरियर बड़ा शानदार है और उनके कैरियर में उनकी पोस्ट की अहम पोस्टिंग की है उन्होंने और उन्होंने हमेशा जो है एक अच्छे इंसान के उनको एक अच्छे सोल्जर के तौर पर ट्रू प्रोफेशनल सोल्जर के तौर पर जाना जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर कोर कमांडर क्वेटा तैनात हो गए। हमें तफसीली अपडेट कर रहे थे नवीद अकबर, आपका बहुत शुक्रिया।